ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से आई हैं। लाल जैकेट पहने हुए जिस युवक को दिल्ली पुलिस के जवान पकड़कर ले जा रहे हैं वो असल में एक पत्रकार है। उनका नाम है मंदीप पुनिया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के जवान मंदीप को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे हैं। मंदीप द कारवां और जनपद के लिए काम करते हैं। मंदीप के अलावा दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन न्यूज इंडिया के धर्मेंद्र सिंह को भी हिरासत में ले लिया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग रिलीज मंदीप पुनिया नाम से हैशटैग चला रहे हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर जाने वाले रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग की है और यहां तक कि पत्रकारों को भी वहां से नहीं जाने दे रही। हालांकि वो पत्रकार जो गोदी मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें दिल्ली पुलिस जाने देती है, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर अल्टरनेटिव मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों या स्वतंत्र पत्रकारों को दिल्ली पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती। आज मंदीप पुनिया भी सिंघू बॉर्डर पर ही जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। ये वीडियो पत्रकार संदीप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच दिखाना गुनाह हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।